20 से भी ज्यादा एमिनिटीज के साथ 1, 2 और 3 BHK अवेलेबल है। शहर के बीचों बीच बन रही DZ सिटी, बुकिंग चालू है और DZ सिटी का काम भी तेजी से चालू है। राउंड प्लस 2 कमर्शियल और मुमरा के सेंटर पॉइंट के साथ DZ सिटी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनता है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें या उनकी सेल्स ऑफिस विजिट करें। उल्लासनगर मनपा के गार्डन में लगी LED स्क्रीन पर दिखाई दी ब्लू फिल्म, शिकायत के बाद पुलिस ने लिया नाबालिग को हिरासत में। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैक किए जा सकते हैं या नहीं, खास करके EVM को लेकर के पूरे देश में चर्चा है, हैक होती है या नहीं होती। लेकिन हैकिंग के ऐसे चौंकाने वाले उदाहरण सामने आते रहते हैं और अब तो जो उदाहरण सामने आया है उल्लासनगर से आया है, जो सुन करके आप जो है भौचक रह जाएंगे। उल्लासनगर में सपना गार्डन नाम का एक उद्यान है, गार्डन है, मनपा द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है और उल्लासनगर मनपा ने शहर में विभिन्न 8 ठिकानों पर 8 LED स्क्रीन लगाए थे, जिनमें से एक सपना गार्डन में भी लगाया गया था। यहाँ परिसर के लोग इस गार्डन में, बड़े बूढ़े बच्चे सभी इस गार्डन का फायदा उठाते हैं और इस गार्डन में अक्सर दिखाई देते हैं, लोगों की भीड़ भी रहती है। गत सोमवार 22 जनवरी को अचानक इस गार्डन में लगी हुई LED स्क्रीन पर ब्लू फिल्म दिखाई देने लगी। ब्लू फिल्म दिखाई देने के बाद चारों ओर कोहराम मच गया, लोगों की हड़बोंग मच गई और इस संबंध में पुलिस को सूचित किया गया। वहीं उल्लासनगर मनपा प्रशासन का इस पर खुलासा है कि इस LED टीवी को किसी ने हैक कर लिया था और उसी वजह से ये पूरा मामला हुआ था। इस पूरे मामले पर उल्लासनगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता है मनोज लासी, उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको दिखाएंगे। और इसमें जानकारी मिली है कि ये सारा काम जो है LED हैक करके उस पर ब्लू फिल्म दिखाने का काम एक नाबालिग लड़के ने किया था। पुलिस ने बताया जाता है कि इस नाबालिग लड़के को हिरासत में लिया है, लेकिन निश्चित तौर पर इस नाबालिग लड़के पर LED हैकिंग कर वहां पर ब्लू फिल्म दिखाना और वो भी सार्वजनिक जगहों पर जो काम किया है उसको लेकर क्या कार्रवाई की है उसका कोई खुलासा अभी तक पुलिस ने नहीं किया है। कल 22 तारीख शाम के वक्त मेरे प्रभाग जहां मैं कार्य कर रहा हूं, सपना गार्डन उसमें आता है, वहां पर महापालिका द्वारा कुछ महीने पहले LED स्क्रीन लगाए गए थे। मेरी जानकारी के मुताबिक शहर में ऐसे 8 स्क्रीन लगाए गए, आप देख पा रहे होंगे पीछे कॉरपोरेशन के बाहर भी एक स्क्रीन लगाया है, जानकारी देने के लिए महापालिका की तरफ से, राज्य सरकार केंद्र सरकार की जानकारियां देने के लिए। पर कल 22 तारीख को शाम को जो सपना गार्डन के ऊपर ये दिशा LED लगी हुई है, ये जो जानकारी के लिए लगी हुई है, वहाँ पर अचानक से शाम को 6:30 के आसपास ब्लू फिल्म उस LED पे चलने लगी। मेरे क्षेत्र के लोगों, आसपास के लोगों के फ़ोन आने चालू हो गए, बिल्डिंग के सेक्रेटरीज के फ़ोन आने, हमारे वहाँ पे जागृत जो पत्रकार हैं शिव कुमार मिश्रा, उनका भी मुझे फ़ोन आया, बाकी लोगों के आसपास वहाँ से गुजरने वाले के लोगों, तो मुझे लगा ये कैसे पॉसिबल होगा, कोई क्या कैसे करता। तो मैंने संबंधित विभाग जो हमारे CFC के वाघ मैडम है उनको कॉल किया, हमारे DMC को कॉल किया, नायकवाड़े को जो डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो जानकारी मिली तो किसी ने हैक किया है, किसी ने हैक करके उसको इस तरह की वहाँ पे अश्लील पिक्चर ब्लू फिल्म चलाना चालू की। उसको पता चला है, सेंट्रल पुलिस स्टेशन में उनसे अरेस्ट भी किया है, जानकारी भी ली जा रही है, आगे की जानकारी अब आपके माध्यम से मिलेगी। पर इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है कि कोई एक व्यक्ति महानगरपालिका सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा लगाई गई सार्वजनिक स्थान पर LED को हैक कर सकता है और उसमें अश्लील पिक्चर ब्लू फिल्म चला सकता है, तो भविष्य में इसके कितने दुष्परिणाम हो सकते हैं। कोई किसी भी नाम का कोई भी अश्लील फोटो दिखा सकता है, किसी राजनेता के नाम से चला सकता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाम से चला सकता है, किसी संत महात्मा देव के नाम से कुछ चला सकता है, जिससे शहर का माहौल, राज्य का माहौल खराब हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। तो ये छोटी चूक नहीं है, आज जरूर उसके ऊपर कार्रवाई होगी, पर भविष्य में महानगर पालिका को, विशेष CFC डिपार्टमेंट को और संबंधित अधिकारियों को इस पर ध्यान देना होगा कि इसका कंट्रोल मात्र कोई एक व्यक्ति किस तरह से अपने हाथ में ले सकता है और कुछ भी इसका मिसयूज कर सकता था, कर दिया उसने और भी कर सकता है। तो मेरी मांग है कि जब तक इसका कोई ठोस प्रोग्रामिंग नहीं होती है, कंट्रोल नहीं होता है, इसकी सुरक्षा की
पूरी तरह से चाक चौबंद नहीं होती है तब तक ये एलईडियां शहर में बंद होनी चाहिए। तो आज से ये एलईडियां बंद दिखने को मिल रही है। महानगर पालिका के सीएफसी डिपार्टमेंट को, संबंधित डीएमसी को और आयुक्त को, प्रशासक को ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के भविष्य में कोई बड़ी शहर में लॉ एंड ऑर्डर की दुर्घटना न हो, किसी व्यक्ति विशेष की बदनामी न हो, इसलिए इन एलईडी को कंट्रोल में रखा जाए। एलईडी लगाने का कारण क्या था पूरे शहर में? ये कुछ समय पहले इनकैप का फंड आया था एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि लोगों में जनजागृति, डिजिटल इंडिया बनाने के लिए, देश को डिजिटल बनाना है। पर देश को डिजिटल बनाने के चक्कर में किस तरह का डिजिटलाइजेशन हो रहा है, एक उदाहरण जीता जागता सपना गार्डन का ये हुआ है कि ब्लू फिल्म किसी ने चला दी, वहां पर अश्लील चित्र वहां चला दिए। तो किस प्रकार से हम डिजिटल इंडिया के माध्यम में संदेश दे रहे हैं वो हमें सोचना पड़ेगा भविष्य में।